हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज आप लोगों के लिए क्या अपडेट है, नए आपराधिक कानून में क्या क्या बदलाव हुए हैं, जुर्म और सजा से जुड़ी एक एक डिटेल आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले हमारा ये टेलीग्राम है, ये स्कैन कोड दिया गया है, आप इसको स्कैन कोड करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो वहां सर। यदि देखा जाए तो हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, तो उसकी हेडलाइट्स क्या है देखा जाए तो देश में 1 जुलाई से लागू हो गई 3 कानून। वे 3 कानून कौन कौन से हैं बताएंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब जो नए कानून आएंगे उनकी बात करेंगे। भारतीय न्यायिक संहिता में 3 कानून में अहम बदलाव किए गए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं वो आप लोगों को बताएंगे। राजद्रोह वहां से हटा दिया गया है, लेकिन कुछ जगह है जहां पर हटाया नहीं गया है वो बताएंगे क्या, और आतंकवाद की क्या परिभाषा घोषित की गई है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं तो देखते हैं 1860 के अंदर पहली बार इंडियन पिनल कोड आया था, अब उसके स्थान पर भारतीय न्यायिक संहिता 2023 लागू हो जाएगी 1 जुलाई से। दूसरा क्या था, 1898 में सीआरपीसी आया था, अब उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब लेगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। अब ये तो 3 कानून थे, ये समाप्त हो चुके हैं, अब नए 3 कानून यहाँ पर लागू हो जाएंगे। जो 3 नए आपराधिक कानून है उनके लागू करने की घोषणा कर दी गई है। तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए ये खत्म हो जाएंगे, राजद्रोह को हटा दिया जाएगा, आतंकवाद की जो गतिविधियां उसकी परिभाषा क्या है वो स्पष्ट की गई है। अब यौन अपराधों के लिए यहाँ पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अब देखा जाए तो इस कानून का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और उसके कल्याण को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य लाया गया है, और इसको मॉडर्न तरीके के आधार पर टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। क्या क्या बताएंगे आप लोगों को, तो 1 जुलाई से कानून खत्म हो जाएगा। तो 3 नए कानून, भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये अब 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ये कानून ब्रिटिश काल के थे जिनको समाप्त कर दिया गया है, पिछले मानसून सत्र में इसको लाया गया था और 21 सितंबर को इसे संसद से मंजूरी मिल गई थी, और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और इसको लागू करने की बात कर दी गई थी हस्ताक्षर होते के साथ ही। तो आईपीसी सीआरपीसी से कितने अलग हैं अब ये देख लेते हैं। आईपीसी की जगह जो लेने वाला है भारतीय न्यायिक संहिता में कितनी धाराएं हैं, 358 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में कितनी धाराएं थी यानी 511। अब ये धाराएं इसका मतलब क्या होगा, अब ये कम कर दी गई है यहाँ पर, यानी आईपीसी में जो 511 धाराएं थी अब नए कानून में धाराएं कम हो गई हैं, अब 398 धाराएं हैं। जबकि सीआरपीसी की जगह लेने वाला जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं, यानी सीआरपीसी में कम धाराएं थी, अब जो नया कानून आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसमें 531 धाराएं यानी यहाँ पर धाराएं बढ़ गई हैं। जबकि आईईए में भी धाराएं क्या हुई हैं, बढ़ी हैं, थोड़ी ज्यादा नहीं बढ़ी हैं, अब कितनी 170 धाराएं हैं, पहले कितनी थी 166 धाराएं थी। तो इतना ध्यान रखना, यहाँ पर जो पिछला कानून है उसमें थोड़ी सी अधिक यानी 4 धाराएं एक्स्ट्रा है। आगे चलते हैं, इसमें राजद्रोह वाले जो पॉइंट है उसको हटा दिया गया है। सशस्त्र क्रांति, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी कार्यों के कारण होने वाला जो राजद्रोह है वो अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस में माना जाएगा, मतलब राजद्रोह वाले जो पॉइंट वो हटा दिए गए हैं, लेकिन सशस्त्र विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी में राजद्रोह को अभी जिंदा रखा गया है, उसमें क्रिमिनल ऑफेंस में इसको माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब नए कानून की क्या क्या खास बातें हैं वो जान लेते हैं। तो राजद्रोह तभी लागू होगा जब वह राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ होगा, ना कि सरकार के खिलाफ। आप सरकार की यहाँ पर आलोचना कर सकते हो, लेकिन आलोचना के साथ साथ यदि आप कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, देश के झंडे को नुकसान पहुंचाओगे, तो उसके आधार पर आपको जेल जाना पड़ेगा। नए कानून में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य हो या विदेशी हो या अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन की सुरक्षा के लिए जो भी खतरा होगा उसको आतंकवादी माना जाएगा। पहली बार यहाँ पर किसका, टेररिज्म को परिभाषित किया गया, यानी आतंकवाद की क्या परिभाषा होती है पहली बार इसको परिभाषित किया गया है। देखा जाए विश्व स्तर पर देखा जाए तो अभी तक यूएन ने भी इसको डिसाइड नहीं किया है कि टेररिज्म की क्या परिभाषा होती है, पहली बार इसको भारत ने यहाँ पर परिभाषित किया है और इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा ऐसा बोला गया है। अब राजद्रोह को हटाया गया है और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, उसके लिए सख्त कानून बनाया गया है। नए कानून के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाएगा या डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करेगा उसको आतंकवादी माना जाएगा। यानी आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो,
बम विस्फोट कर रहे हो, जहरी गैसों का यूज कर रहे हो, किसी को गोली मार रहे हो, तो उसको आतंकवादी यहाँ पर मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें खास बात क्या है, अगर कोई भी आरोपी शख्स भारत से बाहर भी छिपा हो, आप उसके खिलाफ भी केस चला सकते हो, मुकदमा चला सकते हो। यदि वो 90 दिन के अंदर कोर्ट में पेश नहीं होता है, उसमें विफल रहता है, तब भी आप केस चला सकते हो। उसके लिए आपको एक पब्लिक वकील दे दिया जाएगा या पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा, तो वो आपकी अनुपस्थिति में भी वो केस चला सकता है, यानी आपके खिलाफ जो केस होगा वो जारी रहेगा। अब देखो, लड़कियों और बच्चों पर भी अपराध में सख्ती आई है। अब कैसे आई है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं और लड़कियों से जुड़े यदि यौन उत्पीड़न होते हैं, तो उसके मामलों का वहां पर जिक्र किया गया है और उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें बोला गया है, दंड संहिता में नरम प्रावधानों को जो फायदा उठा के बच जाते थे जो अपराधी, अब वो नहीं बच पाएंगे। इसमें नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले में क्या लगाया जाएगा, पास्को एक्ट लगाया जाएगा, यानी पास्को के साथ उसको जोड़ा जाएगा यदि आप वहां पर लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न करते हो। तो ऐसे केस में आजीवन कारावास होगी या मृत्युदंड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गैंगरेप के मामले में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंगरेप को एक नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर नए कानून को इस उद्देश्य के साथ लागू किया गया है ताकि मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप हो सके। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रखे जाएंगे, फोरेंसिक जांच भी होगी, आपराधिक साक्ष्यों के वीडियोग्राफी भी होंगी और डिजिटल समन का भी प्रावधान है। मतलब आप यदि किसी को समन नहीं भेज पाते हो तो आप डिजिटल रूप से भी उसको समन यहाँ पर भेज सकते हो। तो नए कानून में देखा जाए, इसको आधुनिक रूप से बनाया गया है और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए इस प्रकार के कानून भी जरूरी हैं। और ब्रिटिश कानून को लगभग समाप्त कर दिया गया है, यहाँ से अब इंडिया के स्थान पर भारत का यूज किया गया है। यानी पहले क्या बोला था, IPC यानी इंडियन पेनल कोड, लेकिन अब भारतीय शब्द वहां पर इंडियन के स्थान पर लगा दिया गया है। तो हमारी अपडेट यही तक थी, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।